नमस्कार, मैं पीयूष शर्मा, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज नेशन। अब बात करते हैं बिहार की। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का देश भर में हिंसक विरोध हो रहा है। बिहार से निकली चिंगारी अब पूरे देश में फैल गई है। वहीं इसको लेकर बीजेपी और जेडीयू भी आमने सामने हैं। शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने बिहार सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सिर्फ भाजपा को टारगेट किया जा रहा है, इसे जल्द रोका जाए, नहीं तो फिर किसी के लिए ठीक नहीं होगा। जायसवाल के इस बयान पर जेडीयू भड़क गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने पलटवार करते हुए सीएम नीतीश कुमार सरकार चलाना जानते हैं ये कहा है। संजय जायसवाल मानसिक रूप से संतुलन खोद बैठे हैं, अच्छा होगा कि वो युवाओं को समझाएं। वहीं जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि संजय जायसवाल की बातों को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। हर घर में एक ऐसा आदमी होता है जो कुछ भी बोलता है, प्रशासन अपना काम ठीक तरह से कर रहा है। देखिए, विरोध करने का हक किसी को भी है, विरोध करने में कोई बुराई नहीं है, हम सब अलग अलग दल के हैं, लेकिन इस तरह से प्रशासन के द्वारा व्यक्तियों को टारगेट करना, प्रशासन के द्वारा एक खास पार्टी के दफ्तरों को जलाने करना, और 300 मधेपुरा में जो हुआ है 300 पुलिस दर्शक बन करके बैठी हुई है, क्या पुलिस पे कार्रवाई हो रही है? तो ये हम लोग शासन के हिस्सा हैं, और इस तरह से जो कहीं हिंदुस्तान में नहीं हो रहा वह बिहार में हो रहा है, यह बहुत गलत है। और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर मैं बिल्कुल इसका विरोध करता हूं, और इस तरह की घटनाएं हर हालत में अगर नहीं रोकी गई तो यह किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। विपक्ष की साजिश के तहत करवा रहा है प्रदर्शन बीजेपी। संजय जायसवाल ने कहा है कि हमारे मधेपुरा कार्यालय में जब आग लगाई गई तो उस वक्त 300 पुलिसकर्मी मौजूद थे, बावजूद उस घटना को अंजाम दिया गया। कई मामलों में पुलिस ने बातों को छिपाने की भी कोशिश की है। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष सोचे समझे साजिश के तहत इन घटना को अंजाम दिलवा रही है। प्रदर्शन करने वालों में कोई भी छात्र नहीं, छात्र कभी भी हिंसा नहीं करते, ये सब उपद्रवी हैं जो विपक्ष के कहे अनुसार देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। जो भी छात्र हैं उन्हें अग्निपथ योजना बहुत अच्छी लगी है, इस योजना में कहीं भी विरोध करने जैसा कुछ भी नहीं है। जेडीयू पर निशाना, ये सब जल्दी रोके, नहीं तो ठीक नहीं होगा। इस दौरान उन्होंने इशारों में जेडीयू पर निशाना साधा है। बीते दिनों ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा की आपत्ति का जवाब देते हुए कहा कि हम लोग अलग अलग दलों के हैं तो आपत्ति होना लाजमी है, लेकिन वो आए हैं और हमें इसका कारण बताएं कि इसमें क्या गलती है। प्रशासन बीजेपी कार्यालय को क्यों जलाएगी? केंद्र सरकार ने एक निर्णय लिया अग्निपथ योजना, अब उस निर्णय के बाद से बिहार ही नहीं अन्य प्रदेश के जो छात्र और नौजवान हैं उनके उनके मन में अपने भविष्य के प्रति आशंका पैदा हुई, और उस आशंका का तक्षण प्रतिक्रिया उन लोगों ने व्यक्त किया, सड़क पर आया। ये अलग बात है कि किसी भी समस्या का निदान हिंसा के रास्ते नहीं हो सकता, हिंसा का स्थान समाज में नहीं है, हिंसा के कदम को कोई भी उसकी उसको स्वीकार नहीं कर सकता है। लेकिन उनकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया पर भी भारतीय जनता पार्टी को एड्रेस करना चाहिए, उनकी मन की जो आशंका है उसको दूर करना चाहिए, उसके बजाय वो प्रशासन पर आरोप लगा रहे। अरे प्रशासन क्या करेगा? प्रशासन को कहां से क्या मतलब है भारतीय जनता पार्टी से और जनता दल यू से? लेकिन आपके जो आक्रोश से, जो छात्रों नौजवानों के आक्रोश के कारण जो आपका संतुलन थोड़ा अपने को संतुलित करिए, जो संतुलन बिगड़ा है उस संतुलन का प्रभाव है कि आप अनर्गल आरोप प्रशासन पर लगा रहे। नीतीश कुमार जी प्रशासन चलाने के लिए सक्षम व्यक्ति हैं, और देश में गुड गवर्नेंस के का उनको पुरस्कार मिल चुका है, तो इसलिए श्री संजय जायसवाल जी से शिक्षा लेने की जरूरत नहीं है, प्रशासन अपना काम कर रहा है। और अगर यही बात है तो भारतीय जनता पार्टी शासित जो प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, कई अन्य राज्यों में हिंसक घटनाएं हो रही है, वहां क्यों नहीं लोग गोली चलवा दे रहे हैं, मरवा दें हजारों लोगों को? वहां की सरकारों को, संजय जायसवाल जी को कहना चाहिए कि वहां की सरकारों को चाहिए कि सबको गोली छोड़ा दो। तो इस तरह की प्रतिक्रिया जो है वो दर्शाता है कि वो संतुलित है। बीजेपी मामला बिगड़ता देख संतुलन खो चुकी, जेडीयू राष्ट्रीय अध्यक्ष।
ललन सिंह ने कहा है कि जेडीयू को संजय जायसवाल से शिक्षा लेने की जरूरत नहीं है। सीएम नीतीश कुमार को अच्छे से सरकार चलाना आता है, प्रशासन भी अच्छा काम कर रहा है। मामले को बिगड़ता देख बीजेपी अपना संतुलन खो चुकी है, उसको संतुलन बनाए रखने की जरूरत है। अगर बीजेपी को लगता है कि यहाँ का शासन प्रशासन लापरवाही बरत रहा है तो बीजेपी शासित प्रदेश में प्रशासन क्यों नहीं कर रहे, उपद्रवी पर गोली चलवा दे। 3 दिन में 3 बीजेपी कार्यालय जले, 5 नेता निशाने पर। पिछले 3 दिनों में अग्निवीरों ने भाजपा के 3 जिला कार्यालयों में आग लगा दी। कल यानी शुक्रवार को सासाराम और मेदापुर में भाजपा कार्यालय में आग लगा दी गई। इस पूरे प्रकरण में भाजपा के 5 नेता निशाने पर रहे। पहले बिहार के डिप्टी सीएम रेणु देवी के आवास पर हमला किया गया, फिर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के घर पर। हमले के दौरान डिप्टी सीएम रेणु देवी को पटना में थी, लेकिन संजय जायसवाल घर पर ही थे, वे किसी तरह बचे। वहीं लौरिया में भाजपा के विधायक और भोजपुरी फिल्म के गीतकार विनय बिहारी पर भी सेना अभ्यर्थियों ने हमला किया था। बिहारी के सुरक्षा कर्मियों की सूझबूझ से उनकी जान बच पाई। वहीं गुरुवार को नवादा के विधायक अरुण देवी और छपरा के विधायक सीएन गुप्ता पर प्रदर्शनकारियों ने हमला किया था। वहीं नवादा जिले के कार्यालय को भी फूंका गया था। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ स्टेशन।